नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का चार दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के लिए कई विषयों पर सदन में दोनों दलों का शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली है। इसमें हमने चार विधेयक पारित किए हैं। उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2022, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022, तीसरा उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022, चौथा उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2022, सूचनाएं नियम 300 की हमारे पास 76 सूचनाएं आई, उसमें से 21 स्वीकृत हुई और ध्यानाकर्षण के लिए 26 गई। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 54, स्वीकृत 6, ध्यानाकर्षण 20। नियम 58 के प्राप्त सूचनाएं 32 और स्वीकृत 14। नियम 310 की प्राप्त सूचनाएं 4, परिवर्तित 4, 58 में। याचिकाएं 9 याचिकाएं प्राप्त हुई, 9 स्वीकार हुई। कटनी जिले में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, ना ही अभी तक बी फॉर्म आए हैं। फिलहाल केवल कांग्रेस के नाम के साथ नामांकन कर पार्टी के चिन्ह की मांग की गई है। इस दौरान वार्ड 24 से अजरा शाहीन ने पार्षद प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है। वार्ड 24 में पहली बार पार्षद चुनाव से लेकर अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। वार्ड क्रमांक 24 से जी 24 से कांग्रेस पक्ष की तरफ से अजरा शाहीन ईश्वरीपुरा वार्ड से, स्वर्गीय फिरोज अहमद जी की भाभी श्री हैं जी, और पूरा परिवार कांग्रेस का परिवार है और इनके बेटे दानिश भी हैं। ये युवा हमारे कार्यकर्ता हैं अच्छे, और उस वार्ड में पूरी उम्मीद है हमको कि कांग्रेस वहां पर अपना प्रचंड बहुमत से परचम लहराएगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सातों ठगों के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल अज्ञात ठगों ने मंत्री के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर विभागीय अधिकारियों से व्हाट्सएप पर पैसों की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि सातों ठगों ने मंत्री टीएस सिंहदेव का फोटो लगाकर विभागीय अधिकारियों को भ्रामक संदेश भेजकर अमेजन पे गिफ्ट कार्ड के माध्यम से पैसों की मांग की थी। माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के निज सहायक श्री गौतम कुमार मेघलान द्वारा थाना सिविल लाइन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विभिन्न नंबरों से व्हाट्सएप के माध्यम से वाणिज्यकर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कॉल कर और उस व्हाट्सएप मैसेज में माननीय मंत्री जी के नाम और उनके फोटो का दुरुपयोग किया जा करके लोगों से पैसे की डिमांड की जाए। एक तरफ जहां देश भर में अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि एक तरफ 2 साल से सेना में भर्तियां बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ केवल 4 साल के लिए भर्तियां कर रहे हैं। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि जवान 4 साल हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर आएंगे और अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वह किस दिशा में जा सकते हैं, कहीं वह इकट्ठे होकर अपने गांव शहर प्रदेश को नुकसान न पहुंचाएं। बदले की राजनीति है। देखिए, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम करे, स्वतंत्रता पूर्वक काम करे। अब रमन सिंह और उसके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन करते हैं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए। वहां नहीं होता, कोर्ट गए, तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि ईडी की जांच से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार पूछना चाहे पूछ ले, लेकिन सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। कांग्रेस भवन को सील कर दिया गया है और मुझे जाने से रोक दिया गया। इसके ऊपर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझसे ज़्यादा सिक्योरिटी की उनके पास है, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो लिख कर दें, मुझे डर नहीं है, मैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं चलता हूँ।
देखिए ईडी की जांच से हमें कोई तकलीफ नहीं, जितना बार पूछना चाहे पूछे, लेकिन दुरुपयोग क्यों? कांग्रेस भवन को आप सील करके रखे थे, नेता आ नहीं रहे, जा नहीं पा रहे, हम लोगों को रोका गया। अब मैं बोल दिया हूँ कि नक्सल प्रभावित, मुझे बीच रास्ते में रोक दिया भीड़ भाड़ जगह में। मैंने कहा भाई मैं नक्सल प्रभावित राज्य से आता हूँ, जेड प्लस मुझे सुरक्षा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे मैं नहीं चाहता मेरी सुरक्षा रहे, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन बाध्यता है। और रमन सिंह उसमें ट्वीट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बदनाम, अरे छत्तीसगढ़ को 4 लाख से 14 जिला करने में आप ही कहाँ था? और आपको यदि लगता है कि कोई बात नहीं है तो आप, मुझसे भी ज़्यादा सुरक्षा आपके पास है। नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसके बाद राहुल गांधी से लगातार घंटों पूछताछ की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेसी केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के सामने धरना कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अंबिकापुर के हेलीक्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। आपको बता दें खाद्य मंत्री सरगुजा दौरे पर हैं, इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार शाम को एक स्कूल में कार्यक्रम में वे शामिल होकर लौटे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। इसके साथ ही उन्हें रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री को डिहाइड्रेशन हो गया है। फिलहाल उन्हें ड्रिप लगाई गई है और उनकी हालत स्थिर है। हम लोग मिशन हॉस्पिटल में हैं और आज सुबह में अर्ली मॉर्निंग में ऑनरेबल फूड एंड कल्चर मिनिस्टर को यहाँ पर एडमिट किया गया है। डिहाइड्रेशन और लूज मोशंस की शिकायत थी उनको, तो रात में पूरे अनरेस्ट में थे। अभी ठीक है, स्थिति बिल्कुल सही है। अभी मुलाकात करके मैं निकला हूँ, डॉक्टर से बात हुई है तो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही स्वस्थ होकर के वापस यहाँ से निकल जाए। कल मल्टीपर्पज़ स्कूल में 9 प्रवेश बच्चों के एडमिशन कार्यक्रम में शामिल हुए थे मंत्री जी, और उसके बाद फिर घर पहुँचे तो थोड़ा सा उनको हरारत और थकान टाइप का लग रहा था। उसके बाद शाम को लूज मोशन और डिहाइड्रेशन की शिकायत उनको हुई, और शाम को ही हम लोग डॉक्टर शमसुद्दोहा के पास गए और उन्होंने दवाई वगैरह दिया, लेकिन रात को और थोड़ा सा उनकी तबीयत बिगड़ी और जो डिहाइड्रेशन वगैरह था वो रुक नहीं रहा था, तो 3-4 बजे मिशन अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में पंडरी जगार मेला में शिरकत करने पहुंचे, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेले में सभी एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज़ें हैं। आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन सर्दियों में किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उस समय इसको टाल दिया गया था। वहीं ईडी के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि 3 दिन से कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय को ईडी ने सील कर दिया था, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं है। ये तानाशाही है, हम इसका पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। जगार मेले में घुमा, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, बहुत सुंदर बना है। आर्टिस्ट लोग सब अपने अपने जो उत्पाद है उसको ले कर आए हैं, खादी और उसके भी हैंडलूम से जुड़े हुए, और उसमें जो गोदना आर्ट है वो बहुत बढ़िया और कोंडा गांव का तो बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही जो लघु अनुपस्थित जो उत्पाद है वो भी यहाँ है, तो जगार में ज़बरदस्त भीड़ है और डिमांड हो रही है कि उसे 5 दिन और बढ़ाया जाए, क्योंकि अब कोरोना काल के कारण से जो ठंड में लगती थी अब इस समय गर्मी में लगाया गया है, तो फिर भी शाम के समय लोगों की भीड़ तो आप देख रहे हैं, खूब भीड़ है। रेड छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बदले की राजनीति की जा रही है, जितनी भी एजेंसी हैं अपना काम स्वतंत्रता के साथ करें। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह और उनके बेटे के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन किए जाते हैं, जिसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी की नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। सेंट्रल एजेंसी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। बदले की राजनीति है। देखिए जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम करे, स्वतंत्रता पूर्वक काम करे। अब रमन सिंह और उसके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन करते हैं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इसकी ईडी से जाँच होनी चाहिए। वहाँ नहीं होता, कोर्ट गए, तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई?
यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष जांच निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस की कटनी से महापौर प्रत्याशी श्रेया रौनक खंडेलवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम के स्कूल अच्छे नहीं हैं, ना ही बच्चों के खेलने के लिए स्कूल हैं। बीजेपी ने 5 साल में जो गड्ढा किया है, सबसे पहले उसे भरने का काम करेंगे। हम राजनीति से जनसेवा में नहीं जा रहे हैं, जनसेवा से राजनीति में आ रहे हैं, इसलिए हम जरूर जीतेंगे। कटनी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि जल, पानी, रोड, यहाँ पे स्कूल बच्चों के लिए अच्छे नहीं है नगर निगम के द्वारा, और यहाँ पर खेल के मैदान नहीं है बच्चों के लिए, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा गड्ढा किया है, तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि हम उसको पूरा करें। जो आपने आज नामांकन दाखिल किया है, तो लगभग कितने लोगों की भीड़ रही है आपके साथ, और किस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है? आज देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे पास कम से कम 200-250 लोगों का, हम लोग का साथ में लोग थे, और उसमें महिलाएं आगे थी, युवा आगे थे, क्योंकि आज युवा, एक युवा जनसेवी को आगे लाना चाहता है, इसलिए हमारी पूरी टीम आप देख सकते हैं जो अंदर आ सके हैं, वो इतने सारे लोग हमारे साथ हैं। देख के बहुत खुशी होती है कि सबका समर्थन हमारे साथ है। नरसिंहपुर में पार्षद पद के लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा असू ने नामांकन दाखिल किया है। दरअसल नगर पालिका परिषद के 6 जुलाई को होने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि 2017 से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पहले गई थी मैं बेटी बनकर, ऐसे ही जनता के बीच में जाऊंगी, और कार्य हमने किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जो मन में मलाल होगा कि वो नहीं कर पाए हैं, अब उसे प्राथमिकता देंगे, ऐसे कौन से कार्य? ऐसा तो कोई कार्य नहीं है कि जो हम लोगों ने नहीं करवाया है, कार्य हमारे वार्ड में सभी करवाए हैं सभी लोगों। पहला मुद्दा तो विकास का रहेगा, जनता उसी को जिताएगी जिसने विकास किया है, लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं। कोरोना काल में जिन्होंने लोगों की मदद की है, लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की है, ऐसे लोगों को लोग जिताएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कृषि उपज मंडी बड़वानी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने गायत्री मंत्रों के साथ विधि विधान से 160 कन्याओं के विवाह की रस्में अदा की। गायत्री धाम में सैनबाद से आए आचार्य मेवालाल पाटीदार और उनके 40 आचार्यों ने विवाह संस्कार वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराया। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की विशेष अनुमति से आयोजित इस विवाह कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने ही घराती और बराती की भूमिका निभाई। इस दौरान संपूर्ण जिले में 282 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। यहाँ आए हम सामूहिक विवाह में, मंडी प्रांगण में सामूहिक विवाह किन्ने आयोजन करा था? हाँ, किन्ने करा था आयोजन? शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा ने। क्या कहोगे इस आयोजन को लेके, कैसा रहा? बढ़िया रहा। क्या लाभ मिला इससे आपको? लाभ बहुत मिला। क्या क्या मिला दहेज में? दहेज में ये हमारा ये जो मिला है सामान, ये सामने रखा है आपके। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जनपद पंचायत बड़वानी, जनपद पंचायत पाटी व जिले के सभी नगरी निकायों का सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह कार्यक्रम आज यहां संपन्न करवाया है। इसमें 160 जोड़ों ने भाग लिया है, सभी का गायत्री परिवार के माध्यम से विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। अग्निपथ योजना का जगह जगह विरोध हो रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बलिया में भी युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान युवाओं ने रेलवे स्टेशन के वसिंगपट पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी और स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर युवाओं पर खूब लाठियां बरसाईं। फिलहाल पुलिस हालातों पर काबू पाने के तमाम प्रयास कर रही है। आज यहां पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है, और यहां पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है, और लगातार इन उपद्रवी लड़कियों लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। शुक्रवार को पवई SDM KAS गौतम ने पटवारी मुकेश ध्रुवे को निलंबित किया है। मामले को लेकर SDM ने बताया कि CM हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने को लेकर निलंबित किया गया है। क्या है कि कुछ पटवारी जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं, उस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट आई थी, तो मुकेश ध्रुवे करके पटवारी हैं डिगरिया में, उनके द्वारा जो है CM हेल्पलाइन में जो जवाब फिट कराना था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था,
वो जो शिकायत करता है उनसे भी कोई संपर्क नहीं किया जा रहा था, और पंचायत निर्वाचन चल रहा है उस संबंध में मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी कि अगर पानी वर्षा होती है तो क्या स्थिति रहेगी, तो वो भी उन्होंने द्वारा नहीं दी गई है। और दूसरे भी शासकीय कार्यों में अनियमितता बरती जा रही थी, और तहसील में मीटिंग में नहीं आना और दूसरे जो है शासकीय काम बाधित हो रहे थे, इस कारण से उसको तत्काल प्रभाव से भी निलंबित किया है। शाजापुर जिला मुख्यालय में बने सीएम राज स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम कलेक्टर की देखरेख में किया गया है। सीएम राज स्कूल का उद्देश्य बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए शिक्षकों को भी चेंज किया गया है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। राज में प्रवेश उत्सव मनाया गया है, जो माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मनाया गया है, और जो हमारा सीएम राइज है, इसका मेन उद्देश्य है कि हम बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करें, और उसी उद्देश्य को लेकर के ये हमारा जिला स्तरीय सीएम राइज विद्यालय है, और उसमें आज प्रवेश उत्सव मनाया गया है, जिसमें बच्चों को प्रवेश के साथ साथ पुस्तकें और साथ में उनके अभिभावकों का तिलक और फूल चढ़ा करके उनको सरस्वती जी का पहले पूजन किया गया, और इसके बाद फिर बच्चों को माल्यार्पण बच्चों से भी कराया गया और बच्चों को माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। जो है सीएम राइज स्कूल के रूप में चिन्हित किए गए हैं, और जिला हेडक्वार्टर पे ये जो क्रमांक 2 है, इसको हम लोग सीएम राइज के स्कूल के रूप में, मतलब इसको संचालन अब आज से इसका शुरू हो गया है। पुराना जो स्कूल था उसको अभी इसी परिसर में हम लोग कर रहे हैं इसका शुरुआत, और इसमें भविष्य में इसमें नया परिसर भी बनेगा जो दूसरी जगह बनाया जाएगा, उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। बाकी ज़िले में अन्य जगह गुलाना, सुजालपुर, पोचानेर, सुंदरसी, इन जगहों पर भी सीएम राइज के स्कूल चिन्हित करके और उनको बढ़ाया जा रहा है। खबर सीहोर जिले से है, जहाँ जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल पूरा मामला सीहोर के मंजाखेड़ी का है, जहाँ जल संसाधन विभाग नहर योजना में करोड़ों रुपए का घपला कर घटिया निर्माण करवा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर बनाने के लिए घटिया क्वालिटी की सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ 6 इंच की क्रांकिट डालनी चाहिए थी, वहाँ केवल 3 इंच क्रांकिट डाली गई है, जिसके नीचे पॉलीथीन बाहर दिखने लगी है। इस घटिया निर्माण के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार बताया गया है, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। वहीं जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वे सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। छतरपुर जिले में एक हलवाई को शादी का खाना ना बनाना महंगा पड़ गया। जी हाँ, लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बारी अधियारी में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहाँ एक हलवाई ने शादी में खाना बनाने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर युवक ने कुल्हाड़ी से हलवाई की उंगलियां ही काट डाली। आपको बता दें कि हलवाई रामदास कुशवाहा की पहले से ही किसी अन्य शादी में बुकिंग थी, इसलिए उसने आरोपी राजा कुशवाहा को शादी में खाना बनाने से मना कर दिया। इस बात पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से हलवाई की उंगलियों को काट दिया। मन को कि अगली बार बनवा लेना भाई साहब, इसने कुल्हाड़ी तुरंत मेरे मारी, मन है हाथ एड़ा दूसरी कुल्हाड़ी फिर एड़ी, ऐसे दो कुल्हाड़ी के घाव मेरी मारी, और तीसर बार में औरतें इन्हीं के उसमें मतलब वहीं दरवाजे में औरतें खड़ी थी, जो कि वहीं जनवासा था, वहाँ औरतें थी मीरा मेरी औरत, वहाँ औरतें थी, उन्होंने पकड़ ली अंदर, ये मुझे जान से मार देता। छतरपुर जिले के थाना लवकुश नगर अंतर्गत एक गाँव है अंधियारी बारी, जहाँ पे आज सुबह 5:30 बजे दो लोगों में विवाद हुआ। खासकर इसमें जो रामदास कुशवाहा था, वो बहुत ही अच्छा कुक या फिर अच्छा भोजन बनाता था सभी सामाजिक कार्यक्रमों में, तो इससे जो आरोपी है उसने राजा उर्फ बेटू कुशवाहा ने बोला कि मेरे यहाँ जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें तुम आके भोजन बना दिया। इसने मना किया, आपत्ति व्यक्त की, तो कुल्हाड़ी से इस पर हमला किया, जिससे इसकी जो उंगलियाँ हैं वो उनको क्षति पहुँची है। विभिन्न धाराओं में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए MK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।